बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ नया विवाद चर्चा में आया है। भाटी के विरोधी उनके एक पुरानी तस्वीर को वायरल करके उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा रहे। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा है वो रविंद्र सिंह भाटी के एक विदेश यात्रा के दौरान का है और इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक व्यक्ति नजर आ रहा है। विदेश दौरे के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की एक तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे इस व्यक्ति का नाम है दिव्येश आनंद। दिव्येश यूके के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर उनकी विचारधारा से उन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट कहते हैं। और यही नहीं, दिव्येश आनंद की पत्नी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई है। हालांकि इस फोटो पर रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आएगा तो भाटी ट्रेंड करवाया। लेकिन इस फोटो की सच्चाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी के बयान का इंतजार रहेगा। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ नया विवाद चर्चा में आया है। भाटी के विरोधी उनके एक पुरानी तस्वीर को वायरल करके उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा रहे। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा है वो रविंद्र सिंह भाटी के एक विदेश यात्रा के दौरान का है और इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक व्यक्ति नजर आ रहा है। विदेश दौरे के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की एक तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे इस व्यक्ति का नाम है दिव्येश आनंद। दिव्येश यूके के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर उनकी विचारधारा से उन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट कहते हैं। और यही नहीं, दिव्येश आनंद की पत्नी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई है। हालांकि इस फोटो पर रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आएगा तो भाटी ट्रेंड करवाया। लेकिन इस फोटो की सच्चाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी के बयान का इंतजार रहेगा। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ नया विवाद चर्चा में आया है। भाटी के विरोधी उनके एक पुरानी तस्वीर को वायरल करके उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा रहे। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा है वो रविंद्र सिंह भाटी के एक विदेश यात्रा के दौरान का है और इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक व्यक्ति नजर आ रहा है। विदेश दौरे के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की एक तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे इस व्यक्ति का नाम है दिव्येश आनंद। दिव्येश यूके के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर उनकी विचारधारा से उन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट कहते हैं। और यही नहीं, दिव्येश आनंद की पत्नी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई है। हालांकि इस फोटो पर रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आएगा तो भाटी ट्रेंड करवाया। लेकिन इस फोटो की सच्चाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी के बयान का इंतजार रहेगा। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ नया विवाद चर्चा में आया है। भाटी के विरोधी उनके एक पुरानी तस्वीर को वायरल करके उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा रहे। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा है वो रविंद्र सिंह भाटी के एक विदेश यात्रा के दौरान का है और इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक व्यक्ति नजर आ रहा है। विदेश दौरे के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की एक तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे इस व्यक्ति का नाम है दिव्येश आनंद। दिव्येश यूके के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर उनकी विचारधारा से उन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट कहते हैं। और यही नहीं, दिव्येश आनंद की पत्नी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई है। हालांकि इस फोटो पर रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आएगा तो भाटी ट्रेंड करवाया। लेकिन इस फोटो की सच्चाई के लिए रविंद्र सिंह भाटी के बयान का इंतजार रहेगा।